जीके ले अल्मोड़ जान छे कदु किलोमीटर बताना है या 92 किलोमीटर छन यार तो देखो अभी सब सुबह सुबह सनराइज हो ही रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है क्योंकि आज ऐसा दिन है जिस दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, तो कुछ काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। कितने टाइम बाद आ रहे हैं? 2 साल बाद आ रहे हैं। तो मुझे लेने जाना था, मैं सोया ही रह गया, लेट उठा तो लेने नहीं जा पाया, तो अब फ़िलहाल उनसे मिलने जा रहे हैं। तो अभी मैं और ताऊ जी वहाँ पर मिलने जा रहे हैं। और ये भी आज जल्दी उठ गया, पता नहीं कैसे जल्दी उठ गया। ये हल्ले से जी हैं हाय हाय। लेकिन सुबह जल्दी उठने का मज़ा ही अलग है। जल्दी से मैं तैयार हो गया हूँ और सीधे निकलते हैं वहीं को। लेकिन ये जो व्यू आ रहा है ना सामने से भाई, आज काफ़ी टाइम बाद जल्दी उठ के पता चल रहा है कि ऐसा भी व्यू आता है। पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। सो दिस टाइम आई बैक विद माय अनदर व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप लोग दिखा रहे हैं, और इससे हमारे चैनल में 2000 सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। तो अभी सीधे उनसे मिलने चलते हैं। मिलने मम्मी, मम्मी हमारी आ चुकी हैं सुबह पूजा करने। प्रणाम। हेलो, हेलो बच्चे, उसका मास्क तो उतार दो थोड़ी देर। चलो चलो आप चलो। थोड़ा मार्केट को जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ काम है, पहले उसको निपटाएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत घूमने हैं, कुछ मैगी वैगी खा के आते हैं। देखो आजकल जो भी ट्रिप प्लान हो रही है, पहले तो 2-3 दिन से ब्लॉग अल्टरनेट डेज में मैंने प्लान करा था, लेकिन अब मुझे पता चला इतना ईजी नहीं होता अल्टरनेट डेज में ब्लॉग करना। तो ज़्यादा जो हमारी ट्रिप होने लगी हैं आजकल वो अनप्लान होने लगी हैं, लेकिन अनप्लान ट्रिप जो होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अभी पिंडारी ग्लेशियर का प्लान हो रहा है, वो नहीं बताया कि प्लान हो रहा है, लेकिन हमने सोचा है कि फर्स्ट वीक में जाएंगे अप्रैल के। तो अभी दूसरा भी चल रहा है एक ऋषिकेश, क्योंकि मुझे ऋषिकेश एक्सप्लोर करने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है, तो मे बी ऋषिकेश हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग को यहाँ जाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम लोग यहाँ जाएँ, तो ट्राई करेंगे वहाँ जाने का। अभी फ़िलहाल कुछ काम निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बाकी लोग भी आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मतलब ड्राइवर सीट में होता है ना, ड्राइवर बोल दिया पहले ही मैंने, जो मतलब ड्राइविंग सीट में होता है ना उसके मजे होती है ब्रो। ये देखो कितना मजे ले रहा है, किसी की गाड़ी में नहीं होता होगा जितना हमारी गाड़ी में होता है। और मजेदार तो ये है कि अब अगर वीडियो अगर थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी तब भी मैं इतने से गुजारिश करूंगा कि ये प्लीज आज का व्लॉग डाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग घूमने जाते हैं और प्रॉपर व्लॉग बन नहीं पाता और ये डालता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मिनट का बने, 3-4-5 मिनट का बने, उतना ही डाल देना भाई यार प्लीज। तो हमारी एनर्जी उस वीडियो बोलना है, हमारी एनिवर्सरी हमारी। क्या ये आंटी अंकल है? अंकल है यार, अंकल सो रहे हैं। चश्मा लेकिन आंटी वाला है इनका ना। हेलो अंकल। अरे हो चुकी है तेज की। इस बार चले गोवा। हाँ गोवा चलेंगे, चड्डी लेने दे मुझे, खरीदने दे फिर जाएंगे गोवा। चलते हैं ना गोवा के लिए, एक शॉर्ट ले लो। होटल में शायद हम लोगों का प्लान बन रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं या तो पिंडारी ग्लेशियर जाएंगे या हम लोग जाने वाले हैं कहाँ। ये देखो इसको पता नहीं कि कहाँ जा रहा है। थल की बाजार, कल हम जा रहे हैं बरेली। कलम कल मैं बरेली जा रहा हूँ, हितेश बरेली जा रहा है, और हम सब लोग बरेली का झुमका लेके आएंगे हम कल बरेली से।
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लौ से गाऊंगा लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से। बचपन में जब लाइट जाती थी बस एक यही काम होता था कि अंताक्षरी खेलते थे सब लोग। और इसमें सबसे पहले गाना होता था, क्या कह रही है? और देखिए ये HMT वाली रोड है, यहाँ आपको कई सारी डांसिंग कार्स मिल सकती हैं रात में, तो आप ज्यादा डांसिंग कार्स में ध्यान ना दे प्लीज, तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले बताया मैं अपना नाम सोचता था बहुत ही यूनिक है, ओ हितेश, फिर मैं कोठारी से मिला मेरे जज्बात बदल गए थे क्योंकि उसका नाम भी हितेश है, उसका नाम भी हितेश है, तब मुझे पता चला कि मेरा नाम यूनिक नहीं है। असल बात ये है कि यूनिक मैं हूँ, इसका नाम यूनिक नीरा है। शिल्पी नाम किसी का नहीं, शिल्पी सिंगाड़ा सिंगोड़ी सिंगोड़ी सिंगाड़ा लवेश 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 सच में बहुत अच्छा नाम है। देशी का तो बहुत कम लोगों का है यार, सच में लवेश लवेश क्या नाम है लवेश, तेरी मीनिंग क्या है नाम की? प्यार का देवता लवेश ने लवेश। हाँ सच में इफ यू विल सर्च इन गूगल, चलो सर्च करो सर्च करो, खुद की प्यार की कहानी बेकार चल रही है, बेकार प्यार का देवता बना पड़ा है। अभी बताना क्या है, तूने बता दो शिल्पी तेरे नाम का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे शिवांगी तेरे नाम क्या मतलब? मेरे नाम का मतलब है ब्यूटीफुल, जो ये बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रही है मुझे लग रहा है। ऐसा है क्या मेरे नाम का मतलब? ऐसा है क्या? हाफ पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा। गूगल गलत बताता है भाई, मैगी पे विश्वास करूंगा और किसी चीज पे नहीं। विनिंग और लवेश सर्च कर रहा है भाई, भाई मैगी आ गई है, बहुत टेस्टी मैगी होती है एकदम। देखो इसने फोटोग्राफ लेना स्टार्ट कर दिया, ये फोटो आपको अच्छी देखनी है ना, भाई अब घर को जा रहे हैं, हितेश भी घर को जा रहे हैं, मम्मी का 4 बार कॉल आ गया है, और मतलब तुम्हें पता ही होगा यार, बत्ती जला देता हूँ, बत्ती जला दे बत्ती, ठीक है, लाल लाइट से हमने गाड़ी मोड़ी है, तो यार अब घर जाने का समय आ गया है फिलहाल, ठीक है। और आंखों में मेरे आंसू हैं, अल्मोड़ जी के लिए अल्मोड़ जान छे कदू किलोमीटर बताना है या 92 किलोमीटर छन यार, तो नैजून पे मैं पहाड़ी बटी वीडियो को क्या यार खत्म कर लू वो फ्लो नहीं आ पा रहा है अंदर से, मतलब होता है ना यार पहाड़ी, पहाड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ी वाला फ्लो ज्यादा आता है। दादी 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 यीशु हितेश ब्लॉगर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी मेरे मेरे फेस पे मैं बोल रहा हूँ, तीरथ रावत जी से मुझे कहना है अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं कि सरकारी ब्लॉगर की पोस्ट निकाले सरकारी ब्लॉगर की पोस्ट निकालें और प्लीज उसका जो पेंशन भी दें, पेंशन पोस्ट निकाले एक ऐसी जिस सरकारी ब्लॉगर जो कि ये सरकारी के सरकार के लिए ब्लॉग करेंगे बताएंगे कि फूडी उत्तराखंड कुछ कहना चाहती है नहीं बिल्कुल, तो इसको हम एडिट नहीं करेंगे ऐसे ही डालेंगे, नहीं नहीं ठीक है, तो आप देखते हैं बस सबका जाने का टाइम हो गया है, मैं तेज की तरह ऐसे नहीं करूंगा कैमरा बाबा है ऐसे नहीं, रेंडमली नॉर्मली तमीज से जाएंगे औकात से जाएंगे जैसे जा रहे हैं आज तक वैसे ही जाएंगे, और जितनी मस्ती मज़े किए सैटरडे नाइट को आप सब लोग भी घूमने जाएं, अगर कोई नहीं घूमने जा पा रहा है तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हम लोगों की राइड का हम लोगों के घूमने का हिस्सा बने, ठीक है, और हमारे साथ एंजॉय करें, जो सिंगल है वो ठीक है, डबल वाले आपको बताइए क्या उनके साथ पचड़े होते हैं, डबल तो प्रमोशन होता है, डबल तो प्रमोशन होता है ब्रो, तो सिंगल है तो हमें ज्वाइन करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, और मज़े करें हमारे साथ, मजा आएगा। अभी एडिट करके पता ही है तुम्हें यार क्या होता है यार, तो जिम जाने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग जिम जाने वाले हैं अब कुछ टाइम बाद, पता नहीं कब जिस दिन नींद खुल जाए उस दिन जिम, तो अब हम अलविदा कह रहे हैं शिवांगी और शिल्पी को, ये लोग अपने घर जाएंगे, हम उसी इनका जो घर पड़ता है चमन के पास पड़ता है, चमन के पास पड़ता है, अगर आप चमन को नहीं जानते हो तो आप लाल डांट में आओ ठीक है, तो चमन का अपना मजा है यार, चमन जो खुजली वाले मोमो देता है वो शायद ही कोई देता होगा, मतलब नमकीन से फ्लेवर आता है थोड़ा सा
बहुत खतरनाक चीज कवर करी है इसने, मुझे समझ में ना आया यार क्या ही कहें यार। मतलब चमन जो है उसका एक फास्ट फूड का ठेला है और आपको पता है खुजली गोलगप्पे जैसे खुजली वाले मिलते हैं, मोमो भी खुजली वाले मिलते हैं। कई बार ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ व्लॉग में वो चीज़ होगी और ये वही चीज़ काट देता है। तो इस बार मेरा निवेदन है देश से कि ये जब ये एडिट कर रहा होगा तो ये वीडियो देखेगा और सोचेगा कि वो मेन पोर्शंस नहीं काटने हैं हमें, तो बस मज़ा आ जाएगा उसी में, है ना? क्यों तो देश क्या कहना चाहोगे? जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब मैंने मैगी खा ली है और मुझे अब प्रेशर आ रहा है प्रेशर आ रहा है तो अभी ये खेत में जाएगा, आप देख सकते हो ठीक है, कहीं ना कहीं खेत में जाने वाला है। तो तब तक के लिए हितेश जोशी व्लॉग को देखते रहो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाओ हमारे चैनल में कि सारे प्रेशर के बाद मिलते हो। भाई स्कूल में ना मॉनिटर बनने के भी अलग मजे थे ना भाई, मजेदार मतलब यार तड़ होती थी यार एक मॉनिटर की, समझ में? और हमारे में मॉनिटर थी हेरिटेज में गिद्दी का थी मॉनिटर, तो मुझे अभी भी याद है यार, डर लगता था यार नाम ना लिख दे। मॉनिटर बन के ना काम कम हो जाते थे, मुझे ऐसा लगता था बहुत ज्यादा। लेकिन टीचर के चमचे बनने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते थे, लाइक नोटबुक ले जा रहे हैं दूसरी क्लासों में मैडमों के साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं भाई। हमारे साथ ना एक ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है ना, मतलब क्या होता था, एक मैम थी हमारे स्कूल में बड़ी खतरनाक भाई, वो क्या करती थी ना कि अगर हमने काम नहीं कराया या होमवर्क नहीं कराया, वो क्या करती थी कि हमें ना दूसरी क्लास में ले जाएगी और पीछे मतलब वहां खड़ा कर देगी सारे बच्चों को, और फिर क्या करती थी हमारी शर्ट के बटन खोल देने वाली भाई यार। मतलब इतना तगड़ा पनिशमेंट ना, और ज्यादा बोले ना कोई कि मैम मैं नहीं खोल रहा हूँ, वो बेल्ट पकड़ दे भाई। तो सोचिए जो बच्चों की इज्जत थी वो दांव पर थी। मतलब बहुत अच्छा स्कूल वाला जो एक्सपीरियंस होता ना, बहुत ज्यादा बहुत सही होता। वो कपड़े खोलने के बाद आता सलमान बना देती थी मैडम स्कूल में। इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप वो रिलेट कर पाओ तो जरूर बताना, अपने स्कूल की लड़कियां किसी को अच्छी नहीं लगती। सही बात है, नहीं है रमेश? सही बात है। और पड़ोस के स्कूल की लड़कियों पे नजर होती है, नजर होती थी। और अगर अब देखो ना आप, तो कुछ बोलूंगा नहीं, इसमें मैं आ गया। बोल दे भाई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और इतनी बातचीत करते हैं, और अभी सीधे इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर मैं भी घर को निकलूंगा। तो इसके बाद एडिटिंग शुरू करेंगे घर जाके, ब्लॉग में भी कल तक आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही चैनल पे सपोर्ट अपना लव दिखाते रहिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सैटरडे नाइट एंजॉय करते रहिए हमारी तरह।